तो गाइस हमने लाया है आज एक कनूर, ब्लू साइडेड कनूर लाया। तो ये देखिए इधर पीछे बैठा है, देख सकते हो टेम है फुली। फुल्ली टेम है, अभी ग्रूमिंग कर रहा है थोड़ा, क्योंकि देख सकते हो बाल आ रहे हैं, वाइट रेड स्पॉट्स, ग्रूमिंग पे। उसको रिंग भी पैर में पहला है, पहना है अभी, जस्ट लाया है इसको। कलर देख सकते हो, बॉडी पूरी शाइन हो रही है, देख सकते हो बहुत ही स्वीट है मेरे। वो उड़ रहा भी नहीं भाई, बॉडी पे बार बार पूरा टाइम ऐसे बॉडी पे ही रहता है। देखो बार बार कंधे पे बैठ रहा है, सुबह से वैसे ही बैठा हो। देख सकते हो हमारा टैंक अभी सब हेल्दी एकदम, बहुत ही स्वीट है। कलर भी देख सकते हो बहुत ही प्यारा लगता है। अभी हमने इसको केज में डाला है, उसको केज में रहने का बिल्कुल भी मन ही नहीं है ऐसा लग रहा है। देख सकते हो ऐसा बैठा है एकदम खड़े, देखो आग पे लाइट पड़ रहा है इसलिए ऐसा कर रहा है वो, देख सकते हो बहुत ही प्यारा है। ये देखो बहुत ही नाटक करता है, देखो भाई देखो कैसे कर रहा है, अभी लाइट डाल दी, मुंह बना रहा पूरा। तो अभी हमने हमारे कनूर को इधर रखा है क्योंकि वो आवाज़ कर रहा था, तो हमने अभी इधर गैलरी में ऐसा रख दिया है, देख सकते हो मस्ती कर रहा है अभी थोड़ा अच्छे से एकदम। एक्टिंग तो देखो भाई एकदम स्टैचू हो गया, देख सकते हो हिल रहे नहीं है वो, कैमरा आते ही ऐसा बहुत एक्टिंग करते हैं। देखो फेदर्स देख सकते हो एकदम, मतलब शाइन हो रहे। देखो अभी मुँह छुपा रहे, देखो ऐसा पैर से, देखो ऐसा पैर रखता है और ऐसा देखो मुंह छुपाता है, देख सकते हो बार बार ऐसे ही करता है फ्लैश डालते ही। फिर से देखो अभी ये देखो मुंह छुपा रहा है, फिर से फ्लैश वीडियो बनाते ही बार बार ऐसा मुंह छुपा रहा है, बहुत बहुत मस्ती करता है, बहुत एक ही दिन में बहुत मस्ती करने लग गया। बॉडी पे तो मेरे पीछा ही नहीं छोड़ रहा, मतलब बार बार पूरा टाइम बॉडी पे ही रहता है और काटता भी है। देखो ये देखो, बट इतना ज़ोर से नहीं काटता, बट कभी कभी ज़ोर से भी काटता है। ये देखो अभी आएगा, बहुत मस्ती करता है बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हो अभी मैंने उधर रखा है उसको, देख सकते हो इधर दिख रहा है मेरा उंगली के इधर, तो अभी आएगा, अभी आया गाइस। देख सकते हो बहुत परफेक्टली सिखाया, अभी थोड़ा डर रहा था क्योंकि थोड़े लोग आए थे उसके वजह से उनके हाथ में वगैरह दिया था इसलिए, तो बट अभी पूरा प्रॉपर सीख गया है मैंने। मीन्स आधे घंटे से मैं मतलब फिश टैंक का क्लीन कर रहा हूँ, तो तब से मैं उधर ही बार बार रख रहा हूँ और वो बार बार आके मेरे पीछे मतलब आ रहा है, मेरे को छोड़ते नहीं, पहले सर पे बैठा फिर पीछे बैठा, बहुत अच्छे से ट्रेन हुआ है, फुल सुपर टेम है। और अगर आपको भी ये कनूर बर्ड चाहिए, ये मेरा अभी ब्लू येलो साइडेड कनूर है, तो आपको भी अगर ग्रीन कनूर या फिर पाइनएप्पल कनूर कौन सा भी कनूर चाहिए तो मुझे आप डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, तो मैं आपको अच्छे प्राइस में सेल कर दूंगा अगर आप कल्याण में रहते तो। और मेरा डिलीवरी वगैरह तो अभी तक पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप कल्याण में हो तो मैं आपको पॉसिबल ही डिलीवर करना वगैरह। अभी आ गया है हमारा कनूर हाथ में, देखो अभी वो फीमेल वाला आने के बाद से इसका बिहेवियर ही पूरा बदल गया है, देख सकते हो। देखो बॉडी पे भी अभी आ रहा नहीं है उसको, मतलब पिंजरे पे ही जाना है अभी, देखो पिंजरे पे ही जा रहा है डायरेक्ट। देखो अभी इसको अंदर ही छोड़ता और वो वाला डर गया पूरा क्योंकि नया नया आया है, देख सकते हो डर गया वो। देखो उसके पास, उसको उसके पास ही आना है तो उसको मैं अंदर छोड़ देता हूँ अभी, देख सकते हो हमारा कनूर एकदम हैप्पी हो गया वो आने के से। देखो फ्लैश डालते हैं मुँह पे ऐसा हाथ रखते हैं और देखो अभी खा रहा है, खाना खा रहे हैं। और ये वाला भी अभी थोड़ा शांत है, कुछ ऐसा उड़ रहा नहीं है, इसके फेदर्स फुल है, मतलब फेदर्स कट नहीं किए क्योंकि वाइल्ड है, फेदर्स देख सकते हो बहुत ही बड़े। ये भी 7 मंथ्स का है, 6 to 7 months, और हमारा कनूर भी 6 to 7 months का है, तो 2-3 महीने बाद हम लोग इसका ब्रीडिंग करा सकते हैं, तो अभी के लिए हम इनको अच्छे से छोड़ देते हैं इधर ही।
थोड़ा अभी रिलैक्स फील करेगा तो मैं इससे दूर जाता हूँ थोड़ा सा।